परमेश्वर के नाम की महिमा होने दे। आपके बीच में एक बार आने के लिए, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के लिए आने के लिए मुझे मिला है अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ। ये योजना अरेंज किया सियोन चर्च की लोगों को ने, पास्टर जॉन और मिसेस और मेरे बच्चे सपनल का, आपको भी धन्यवाद करता हूँ। मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है प्रभु हमें प्रभु की पहचान में अनुसरण में आगे बढ़ाए। आए हम सब अपना बाइबल हाथ में लेकर परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा मानकर हम आगे बढ़ेंगे। सब अपना बाइबल हाथ में से उठाए, मेरे पीछे हिंदी में बोलिए तो अच्छा है, ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। आगे भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूँ, मेरा जिंदगी बदलने वाला है, पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूँ वो मैं हूँ, ये बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, अटल वचन है। जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ एक दिन निकल जाएंगे, लेकिन ये वचन पूरा होने के बिना कभी ना निकलेंगे। ये वचन के आधार पर प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, अपना पवित्र लहू से मुझे खरीदा है, पाप का दंड से मुझे मुक्ति मिला है, पाप का बल से लड़ते लड़ते आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। इसलिए मैं आगे आगे बढ़ता रहूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं, मेरा प्रभु यीशु है। और दिल से बोला है तो प्रभु ने सुना है और काम शुरू कर दिया भी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ऊपर लिखे रखा है पूंजीश पढ़ने को आता है तो बाइबल चित्रों के रूप में अलग है। आपके हाथ में बैठा हुआ बाइबल तस्वीरों में ही दूसरा दूसरा बैठा है। आपके हाथ में बैठा हुआ बाइबल अक्षरों में लिखा हुआ है, उसको एक परमेश्वर का दास, आज से अंदाज 100 साल पहले क्लारेंस लार्किंस करके एक परमेश्वर का दास तस्वीर की उन्होंने बताया, उसका एक ये उधर भी लिखाया हुआ है। हम इस वचनों को देखकर परमेश्वर का योजना समझने जा रहा है। परमेश्वर ने एक प्लान बनाया है और प्लान हमें समझना है, हमारे हिस्सा क्या है मालूम होना है, उसको पूरा करना है, तब हम एक दिन यीशु मसीह की न्याय सिंहासन के सामने जाएंगे। तब प्रभु बोलेंगे भले और विश्वस्त दास, या भले और विश्वस्त दास, ये आवाज हमें सुनना है। इसलिए यीशु को ग्रहण किया हम सबको परमेश्वर ने करने के लिए कुछ काम रखा है। ये बात आपके दिल में दिलाकर, ये आज एक उद्धार का सुसमाचार की सभा नहीं है, बन गया विश्वासी को चेले बनकर जाने के लिए क्या क्या जरूरत है करके शिक्षा देने वाला एक सभा। यीशु मसीह ने बोला मैंने जो सिखाया सारे बातों को सबको सिखा कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा देकर चेले बनाओ। चेले बनाने के लिए आपको चेले बनना है, बन के बनाने के काम में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हम पर जवाबदारी सौंपा है। इसलिए वो जवाबदारी को अपने ऊपर लेते हुए एक वचन पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यथेश्वर का किताब 2:10 किसलिए हम उद्धार में आया है, किसलिए हम यीशु मसीह में आया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर का कहना है हमें उद्धार में लाया इसलिए कि कुछ काम हमारे लिए तैयार किया है।
इसका मतलब आप उद्धार पाया वो दिन परमेश्वर ने एक डायरी बनाया, वो डायरी के अंदर आपका उद्धार का तारीख भी लिखे रखा है, एक तो प्रभु यीशु का आगमन का तारीख भी, नहीं है तो आपका मरने का तारीख भी, मतलब इसके बीच में का कार्य क्या क्या है करके सोच समझ कर ढूंढ के निकाल कर आपको करते रहना है, ताकि उनके मुंह से ये आवाज मिलेंगे भले और विश्वस्त राश। आपको पता करना है, पता करने के लिए आपको भी लगाना है, मुझे उद्धार में लाया प्रभु आगे क्या है, ये सवाल पूछते रहेगा, बाइबल के अंदर ढूंढते रहेगा, जिंदगी में पालन करने के लिए कोशिश भी करते रहेगा। मैं आपको वायदा करता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर आपका जिंदगी कभी असफल नहीं होगी, आप कदम कदम रखकर आगे बढ़ते रहेंगे, आपका बाहर का इंसान कमजोर होते होते जाएंगे लेकिन अंदर के इंसान मजबूत होते होते जाएंगे, यही परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ बात है। आगे बढ़ना है, हमारे बुलाहट को हमने चुन लिया, बातों परमेश्वर ने किसी ने चुना है, हमने क्या ले लिया है, जिन बातों को परखना है ताकि हम फलवंद मसीह हो जाए, ये हमारा टॉपिक। और एक वचन बढ़ेगा दूसरा पत्रों से पहला अध्याय का 10वां वचन, 2 पीटर 1:10, दूसरा पत्रों से पहला अध्याय का 10वां वचन, तुम्हारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझने इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने हुए जाने को सिद्ध करने का भली भांति का यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। प्रभु ने मुझे किस लिए बुलाया, मुझे क्या करना है, ये बात आप किसी को छोड़ा नहीं है, मुझे परमेश्वर के साथ बात करके परमेश्वर रखा हुआ सिस्टम में रहकर करते रहेगा तो मुझे बताते रहेगा। आज मुझे काम करना है, उठा पाया बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करते रहना है, कलीसिया में मिलते रहना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाना है, इस पर हम चलते रहेगा तो प्रभु हमारी जिंदगी में होने वाली बातें करने वाली बातें रिलीज करते रहेगा, रिवील करते रहेगा, दिखाते रहेगा, ये परमेश्वर का काम। हम वो नहीं करेगा इस वजह में हम लोग देगा ताकि ऐसा करे ताकि ठोकर ना खाए, मतलब नहीं करेगा तो ठोकर खाए। आज मसीह मंडली में बहुत से विश्वासी ऐसा है, बच के पड़ा है, अनाथालय में भर्ती हुआ और फंड के जैसा, मतलब दिन भर खाना मिलते हैं, रात को सोने को जगह मिलते हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, कुछ काम करता ही नहीं है, बच के पड़ा है, मरने तक ऐसा बच के पड़ेगा, ये नहीं है मसीह विश्वास। मसीह विश्वास से तो पाठशाला में प्रवेश कर दिया है, मतलब केजी क्लास में बैठा 10 साल के बाद केजी में ही बैठेगा तो चलेगा नहीं, हर दिन का लेसन पढ़ना है, होमवर्क करना है, एग्जाम लिखना है ताकि 10वीं पास होके फिर बाद में 12वीं, फिर बाद में 15वीं पास होके काम करने के लायक बन जाए। इसी तरह प्रभु यीशु भी चाहता है हम अपने जवाबदारियों को ढूंढ के निकाल के निभाते चलते चलते रहेगा और थमाते के लिए अपने आप हम औरों के सामने एक निशाना बनेंगे और उनके सामने रोशनी बनेंगे। इसलिए यीशु ने बोला तुम जगत का ज्योति हो, तुम धरती का नमक हो, समझने के लिए बुलाएंगे। हमारी जिंदगी को देखकर लोग बोलना चाहिए ये भाई की जिंदगी में, ये बहन की जिंदगी में कुछ तो अलग है, तब हम बोलेंगे इसलिए कि प्रभु ने मेरे अंदर कुछ लिया है, मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है। इस तरह एक नमूना बनने के लिए, आदर्श बनने के लिए प्रभु ने हमें चुना, इसके लिए हम पढ़ते हैं। याद रखो मैं इतना इंट्रोडक्शन क्यों बता रहे हैं, आपके दिमाग में थोड़ा और ज्ञान भर के देने के लिए हम लोग मीटिंग नहीं चलाते हैं, आपको भी कुछ करना है करके एक समझदारी अंदर आने के, मुझे भी कुछ करना है, ये काम आपको समझ में आया फिर आप बाहर निकलेंगे, भाषण अच्छा था लेकिन मैं भी कुछ करूंगा, ये कमिटमेंट आपके तरफ से आना है, इसके लिए हम लोग ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं। हम परमेश्वर का योजना, हमारा ये शिक्षा का मुख्य विषय है ये भाग का प्रकाशित वाक्य की पढ़ाई, मतलब प्रकाशित वाक्य का ये इधर से कलीसिया का जमाना और उसके बाद 7 साल का महाक्लेश, उसके बाद में 1000 साल, फिर नया धरती और नया आसमान में अनंतता, ये एरिया है प्रकाशित वाक्य का मुख्य विषय। लेकिन वो प्रकाशित वाक्य का भविष्य की बातों में हम आने से पहले उसका एक भूतकाल है, ये बात समझ के क्या क्या किया है परमेश्वर ने आज तक के समझेगा तो हम ज्ञानी बन जाता है ताकि हम अपना लिए रखा हुआ काम में बढ़ के जा सकते हैं।
एक वचन बड़े योहन्ना के सुसमाचार 8वां अध्याय का 31-32 वचन पढ़े, John 8:31-32। यीशु अपने ऊपर विश्वास किया यहूदियों को बात कर रहा है, आज हमसे भी वही बात कर रहा है। John 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करोगे, तो बार बार बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे कंडीशन दे रखा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, इफ यू अबाइड इन माई वर्ड, बने रहना है, बंदे रहेगा तो असली चेले बनोगे, रियल डिसाइपल्स। इसका मतलब रियल डिसाइपल भी है, नकली डिसाइपल भी है, चेला ओरिजिनल भी है, असली भी है। ये सब जानने पर इसलिए प्रभु ने जान बुझ कर 12 लोगों को चुना था, 12 नाक काम का लोग, लेकिन उसमें से 11 बच गया, एक डूब गया। हमको डूबने वाले के रस्ते पर जाना नहीं, प्रिय जिंदगी में हम चलते फिरते देखेगा, काफी ऐसे विश्वासियों को मिलेंगे, परमेश्वर के दासों को भी शायद मिलेंगे, जो अपना काम अच्छी तरह से करता नहीं है। हमें उन्हें अनुग्रह करना नहीं है, करने वाले का अनुग्रह करना है, उन्हीं का हम ढूंढते रहेगा, तलाश करते रहेगा, हमें उन्हीं की भी रोज मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल्याण में बाइबल के आधार पर एक बौद्ध भाई को मैं जानता हूँ, ढूंढने मिला, उसके साथ दोस्ती में रखता हूँ। इस तरह अच्छे अच्छे लोगों के साथ हम संगति रखेगा, हम आगे आगे बढ़ेंगे। गलती करने वाले को ढूंढने रहेगा तो हमारा क्या काम है? एक को उपदेश करके देखो, नहीं होता तो परमेश्वर को बोलते रहो, ये दोनों नहीं करता है तो पराये को बोल के घूमेगा, नंबर वन वो गिरेगा, नंबर टू आप गिरेगे, ये कमाई करना ही नहीं। परमेश्वर में सिखाने के लिए कुछ बातें दिखा रहा है, देख लिया उनको बता सकते, नहीं तो परमेश्वर को बताता है, प्रभु हो दास का हो भाई का हो बहन की जिंदगी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ करो ना, प्रभु से मांगेगा तो प्रभु कुछ करता है। ये दोनों होता नहीं तो आप आपके काम में आगे बढ़ो, उनसे बचे रहो। इस तरह दिमाग और यीशु की भाषा शाम के जैसा चतुर और कबूतर के जैसा निष्कल रहना है। आज का मसीह विश्वासी क्रम प्रोफेशनल नहीं होता है, अगर हम प्रोफेशनल होता था तो भारत कभी से कभी विश्वास ना करता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम अपना आइडेंटिटी संभालता रहो, अपना लाइफ स्टाइल संभालता रहो, लोग आकर्षित होते थे, क्या दुख की बात है। इसलिए हमें ये बात समझ कर मेरा ड्यूटी पूरा करने के लिए मुझे आगे बढ़ना है। शुरुआत की सृष्टि में यह याद रखो, परमेश्वर अनादि में रहने वाला है और अनंतता को जाने वाला है। परमेश्वर को कोई आरंभ है ही नहीं है, परमेश्वर को कोई अंत भी है ही नहीं है, लेकिन हमको आरंभ है लेकिन अंत नहीं है। ये बात पक्का याद रखो, मरना जिंदगी का अंत नहीं है, मरना जिंदगी का दूसरा अध्याय का शुरुआत है और उसका कोई अंत भी नहीं है। हमारा सिर्फ ट्रांसफर हो जाता है, एक तो हम लोग स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, नहीं तो नरक में शैतान के साथ, ये दोनों जगह पे से एक जगह पे हमको जाना ही पड़ेगा, मानव तो मानव जाना ही पड़ेगा। बुराने के 9:27 में लिखे रखा है, इट इज अपॉइंटेड फॉर मैन टू डाई वंस एंड देन फेस जजमेंट, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। और रखा हुआ है, हम सब मिलकर बोलेंगे, हम मानते नहीं बाबा बोलेगा तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होने वाला है, मरने के बाद हमारा चांस खत्म हो जाता है, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ये सब सत्य को समझेगा तो अंदर के अंदर निश्चय होना है, मुझे भी कुछ करना है। ऐसा बोल दिया एक लड़का का वचन भी पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे, डैनियल के कथा पहला अध्याय का 8वां वचन, Daniel 1:8। इस्राएल गुलामी में बाबिलोन का कैप्टिविटी में पड़ा है, तब पूरा इसराइल के बाप के द्वारा अंदाज BC 560-80 के बीच में और गुलामी में बाबिलोन में चले गया। तब राजा इसराइली राजपुत्रों में से कुछ अच्छे अच्छे लड़कों को बुलाकर कस्तियों का शिक्षा दिला दे ताकि हम राजधानी में उनकी सेवा करें करके बोलने के लिए प्लान बनाया और बोला उनको राजा जो भोजन खाता है उस तरह की भोजन दिला दे, एक साल तैयारी करे और बाद में लाए देखिए वो किस तरह कामयाब होगा करके। लेकिन एक बार डैनियल के पास पहुंचा, डैनियल अपना रिस्पॉन्स अपना रिएक्शन दिखाया, सुनने के लायक पढ़िए। परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का नाक मधु पीकर अपवित्र न हुए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना न पड़े। देखो डैनियल लड़का
इसराइल पाप किया है, परमेश्वर ने इसराइल गोत्र को छोड़ भी दिया, लेकिन ये लड़का मन में ठान लिया, मैं मेरे माँ बाप की मेरे खानदान की पाप में सहभागिता लेना नहीं चाहता। ये निश्चय ले लिया तो परमेश्वर उसे दिल उतर कराए। पहले उसके दिमाग में आइडिया दिया, वो जिससे बात कर रहा था उसके दिमाग को पकड़ा और सिचुएशन चेंज करके डाला। याद रखो, हम परमेश्वर के लिए अगर खड़ा होता है तो परमेश्वर हमारे लिए एक्टिवेट हो जाता है। असली मोबाइल की भाषा परमेश्वर के लिए हम खड़ा हुए। ये लड़का ने मन में ठान लिया, निश्चय लिया, डिसीजन लिया, तब परमेश्वर ने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। हम परमेश्वर के लिए थोड़ा जिद पकड़ने वाला बनेगा, परमेश्वर हमारे लिए जिद पकड़ने वाला बने। ये मेरा बेटा है, इसका काम मैं आगे बढ़ूंगा करके होने वाला परमेश्वर बन जाता है। ये सत्य को आप याद रखो। ये लड़का ने इतना ही बोला, वो बुलाया हुआ बच्चों मेरे बीच में से राजा पुत्रों को बुलाकर शिक्षा देकर के बुलाया था, लेकिन ये लड़का ऐसा था, मेरा पापा मम्मी मेरा खानदान इसराइल बाप किया है, लेकिन मैं कुछ सीखा है मेरे पापा मम्मी से, वो मैं करते रहूंगा, इसलिए मैं ये राजा की भोजन से यहूदी होने के वास्ते अपवित्र करना नहीं चाहता हूं करके निश्चय लिया। ढल था वो जाके अस्पनास करके घोड़ा को बता दिया, बताती हो उल्टा बोल सकता था, अरे तू गुलाम में है, तू खाना है तो खा, नहीं तो खत्म कर डालूंगा बोल सकता था, लेकिन वो लड़का डर ही। उसी ने क्या बोला, उसके अंदर परमेश्वर ने कुछ बदला हुआ था, यही वजह से लेके रखा है। राजा का दिल नाली के जैसा रखा, परमेश्वर का हाथ में रहता है, जहां मांगता है वहां फिर लेता है। ये अस्पताल के दिन ऐसा आया, बेटा तू ऐसा करेगा, तेरा मुंह बाकी सब बच्चों का मुंह से उतरा हुआ देखेगा, राजा मेरा गले बढ़े, मेरा डेंजर की बात है। और इतना बोल दिया तो दानियल को आइडिया दे दिया, आगे के बारे में बढ़ना नहीं चाहता, बोल देता हूँ, आइडिया दे दिया, ऐसा करो आप ऐसा करो, 10 दिन हमको सिर्फ वेजिटेबल दे दो शाकाहारी, और आप आपकी लोगों को जो देना दे दो, उसके बाद हमारा उनका चेहरा सेहरा दुराना करके देख लो। ऐसा प्रपोजल दे दिया। 10 दिन के बाद इन चारों का शत्रक और दानियल इन चारों का चेहरा ऐसा जमा करा रहा, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको जो मांगे खाना धुखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही हम परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ होगा, याद रखो। आपको इसलिए विश्वास में लाया, ये वंदनी में इसके इलाके में आप जहां कहीं जाता है कुछ होना है, और होने के लिए परमेश्वर इंसान को मांग रहा है। इंग्लिश में से कहावत है, गॉड नीड्स मैन पावर, मैन नीड्स गॉड्स पावर। मनुष्यों को परमेश्वर का शक्ति की जरूरत है, परमेश्वर को मनुष्यों की जरूरत है, दिल वाले इंसान की जरूरत है। मैं जाऊंगा प्रभु मुझे भेज करके बोलने वाला एक एक इंसान को परमेश्वर ढूंढ रहा है, मतलब ऐसे लाने वाला इंसान को मिलता है परमेश्वर को। हाँ, प्रॉब्लम में था, अशुद्धता के तकलीफ में था, बीमारी में था, बंधन में था, श्राप में था, छुटकारा मिला, धन्यवाद। अगला प्रॉब्लम आएगा तो वापस आएगा, हॉस्पिटल के जैसा हो गया, बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास आएंगे, चंगा हो गया तो निकल जाएंगे, फिर मिलेंगे, ये नहीं है। हमें एक पाठशाला में प्रवेश हुआ है, हमको सीखना है, मालूम होना है, अभ्यास करना है, सिखाना है। हम जो जगह पर रहता है हमारे वातावरण को बदलना है, पहले प्रार्थना करना शुरू करो, आपका एरिया में कौन सा भी कट्टर लोग रह रहे हो, कौन सा धर्म वाले भी रह, ईश्वर नहीं बोलने वाला नास्तिक रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रार्थना करते रहो, प्रभु आपने मेरे लिए प्यार किया, ये प्यार मेरे पड़ोसी को भी दिखाओ ना। आप बात करना शुरू करेगा तो परमेश्वर एक्टिवेट हो जाता है। अवसर माना क्या देगा, मैं बता रहा हूँ मेरा संदी का बता हूँ, जब हम लोग 40 वर्ग के कल्याण में वो एरिया में रहने वाले लोग, मेरे कंपनी में काम करने वाला एक समझदार लड़का था, विश्वासी वगैरह नहीं था, उसने इसे पूछा मुझे, साहब आप रहने वाले जगह पे कौन कौन रहता है, बोला सारे तरीके हमारे बोल रहे थे, वो लोग आपके खाता मंगने के आएंगे, हाँ था कभी कभी लींबू मंगने के आएंगे, आएगा शक्कर मंगने के आएंगे, हाँ था, क्यों पूछ रहे थे उसके, क्या बोला मुझे, मैं विश्वासी था, मेरी जिंदगी का बर्ताव देकर ये लड़का मुझे करता था, आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव है, उधर रहते हुए दिनों में मेरा उठा हुआ था, तो वो लोगों को कुछ कांदा बटाता का जीने का जरूरत ही ना होगा, आप लेते रहिएगा, वो लोग लेते रहिएगा। मैं सोच रहा कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र के लोगों के बारे में पता है, मैं सुन के बैठा, मैं करने के बाद महसूस को बोला पीछे बैठा, अरे कुछ भी मांगने के लिए लोग आए तो तुम देते रहो, ये लड़का किस लिए बोला मुझे पता नहीं है, लेकिन देने का काम देते रहा। एक दो साल होने के बाद अपना चाली का दोनों तोड़ कर मकान बनाने का प्लान किया है, तब उधर काम करने वाले बिजनेस मैन उनका को मिला,
उसमें आके विश्वास करता था, वो मुझे बुलाया, दो संगल आ जाओ, हाँ भाई सारे चाली का आठ आठ सोलह का मतलब कुछ है, उन सबको बुला कर एक मीटिंग चलाएंगे बिल्डर के साथ, और इधर एक मकान बना के देगा तो हम सब खुद फ्लैट मिलेंगे। बोला ठीक है बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा करो ना सबको जाके जरा बताओ। तो बोला आप मुझे क्यों बोल रहे हैं, आप तो उधर बिजनेस करने वाले जाना माना आदमी, आप बताओ ना। तो वो आदमी ने मुझे जवाब दिया, क्या बोला मैंने, ये चाली में आप कौन सा भी कर को निकालो उनके साथ कम से कम दो दुश्मन है, लेकिन आपका ऐसा एक आदमी है कोई दुश्मन नहीं है। तभी कांदा बटाटा का मतलब मुझे मालूम पड़ा, समझ में आ रहा आपको। और लड़का अविश्वासी मुझे बोला चिढ़ाया, और मैं करना भी शुरू कर दिया, कहां पे आ गया तो परमेश्वर सबूत करके दिया है, प्रियम परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया उनके एकलौता पुत्र जन्म दिया है ना, हम भी देने वाले हैं, क्योंकि हमारा पॉकेट में परमेश्वर बांधे रहता है। दुनिया की ओपनी में समझ में नहीं आता, वो लोग बोलता है इसको अमेरिका से नहीं, नहीं अमेरिका वाले को दिया वो परमेश्वर हमको भी देना, हमको अमेरिका से नहीं मिलता, इंग्लैंड से नहीं मिलता, जापान से नहीं मिलता, वो अमेरिका वाले को दिया ना, वो दिया वो परमेश्वर डायरेक्ट हमको देता है, ये बात बोल दिया। अच्छा ऐसा है, एक बार आके देखो। इस तरह हम लोग परमेश्वर को अपनी जिंदगी के द्वारा पहचान करवाते रहेगा, उन लोगों का भी जिंदगी बदलते रहेंगे, अब अपनी पढ़ाई की सिर भी ना जाए। अनादि में रहने वाला परमेश्वर सृष्टि कर्म करने के लिए एक योजना बनाए, याद रखो परमेश्वर जब सृष्टि करता है सेकंड क्लास आइटम बनाती नहीं है, फर्स्ट क्लास आइटम बनाती है, एकदम मस्त अच्छा रहने के लायक। उदाहरण है ये अपने माँ बाप को ये धरती जो बनाया था शैतान ने बेगा डाला, मैं बताऊंगा उसके बाद, ये धरती बनाने के लिए परमेश्वर रिक्रिएशन करने के लिए पुनः सृष्टि करने के लिए प्रोग्राम बनाया, परमेश्वर छह दिन बैठ के अलग अलग आइटम बना के तैयारी करके रखा। क्यों? मैं एक परिवार को बनाने वाला है हमारे पापा मम्मी को, और उनको बिठाने के लिए काली कमर नहीं छेड़े, आप यहाँ इधर बैठा है ना, कल परसों इसका सीलिंग का काम चल रहा था, फैन बिठाया है, सिटिंग करके रखा दे तो नीचे चटाई डाला है, अच्छा एक अच्छा हॉल में आके आपको बिठाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं गर्म लगेगा, हो गया सब तैयारी किया अपना परमेश्वर बहुत तैयारी करने वाला। छह दिन का सृष्टि कर्म का छठवां दिन दोपहर तक का परमेश्वर सजाना 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 चालू, मेरे लोग में बनाने वाला मास्टरपीस इंसान और उसका बीवी मिलकर ये दुनिया को अपने वश में करके चलाना है, इसलिए उनको सारा सेटिंग करवाने वाला ये परमेश्वर का तरीका, और परमेश्वर पर आप विश्वास करके जिंदगी में कदम उठाएगा कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी भी किसी के सामने झुकने के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं, प्रॉब्लम आएंगे समस्या आएंगे लेकिन परमेश्वर साथ साथ बोलेंगे मैं हूं ना तेरे साथ। देखो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं है, यीशु मसीह का डायलॉग है, परमेश्वर का डायलॉग, और ये 34:19 भजन संहिता पढ़ेंगे, 34 भजन का 39 34:19 धर्मी की संगति में बहुत सी विपत्तियां को पड़ती है परंतु धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। छाती में आत्मा ग्राम सब हो जाए सारा दोहराएंगे, मैं एक धर्मी जोर से बोलना, मैं एक धर्मी हूँ, मैं भी धर्मी था, मैं भी धर्मी था, मेरा प्रभु यीशु, मेरा प्रभु यीशु मेरा पापों का दंड लेकर, मेरा पापों का दंड लेकर मुझे छुड़ाया है, मुझे छुड़ाया है, धर्मी बनाया है, धर्मी बनाया है, मेरी जिंदगी में भी, मेरी जिंदगी में भी बहुत सी विपत्तियां, बहुत सी विपत्तियां हो सकता है, हो सकता है, छुड़ाने वाला परमेश्वर, लेकिन छुड़ाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ है, मुझे छोड़ के, वो मुझे छोड़ के बिना जाता है, बिना जाता है, उनका रास्ते पर, उनके रास्ते पर, उनके वचनों पर, उनके वचनों पर चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मरते वक्त तक, मरते वक्त तक चलता ही रहूंगा, चलता ही रहूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, दिल से बोलना, क्योंकि दिल से बोलने वाला बातों का वीडियो शूटिंग ऊपर से हो रहा है, भाई मोबाइल से मेरा शूटिंग कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आपका बोलने वाला बातों का अंदर का वीडियो शूटिंग कर रहा है, क्यों? उसके हिसाब से आपको करके देना है, सेटलमेंट करके देना है, आप जिधर जिधर कहाँ पे जाना है, क्या क्या मिलने वाला, सब परमेश्वर का प्लान में है, तो आपको गाइडेंस करने के लिए परमेश्वर ने अपना दिमाग में जमा करता है। इस तरह एक जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम सेवा कर रहा है। देखो इधर परमेश्वर ने एक सुंदर सा दुनिया बनाया, जो जो इंसान की ये जरूरत था सारे प्रपंच का क्या क्या बनाया इतने डिटेल हमें पता नहीं, बताने के बाद ये स्वर्ग दूतों को बनाया, हमसे श्रेष्ठ एक सृष्टि है स्वर्ग दूत, वो स्वर्ग दूत इतना सुंदर था, इतना बुद्धिमान था, बहुत कुछ बातें एशिया का
14:65-28 में भी लिखा रहता है, एक दिन युगों के बाद शायद स्वर्गदूतों में से एक जन जिसका नाम लूसिफर था उसके दिल में ऐसी कुछ विचार आया, मैं मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर से भी थोड़ा बड़ा है। इधर उसका पतन का शुरुआत इसी वजह में लिखा है प्राइड बिफोर फॉल, गिरने से पहले घमंड। याद रखो सृष्टि का कुछ भी आइटम उसका खुद का नहीं है, उसका ठेकेदार है। आप सोचिए देखो इधर सुंदर रचना मकान है आपका, सबका खुद का घर होगा, 100 साल के बाद आपका घर किसका होगा और किसका होगा आपका लाभ पता नहीं, आपको पहचानने वाले भी शायद नहीं होगा 100 साल। मतलब हम आने जाने वाले एक लॉटरी के जैसा आते रहते हैं, अपना काम करते करते हैं और निकल जाते हैं, दूसरे पे जाते हैं। ये बात हमें दिल में रखना है, मेरा मेरा करके कुछ होना नहीं है। मैं नौकरी छोड़ के बाहर निकला था, उसे थोड़ा घमंडी लगा था समझो, क्योंकि इंजीनियर था मैं, 19 साल काम किया इंडिया के अलग अलग जगहों पर, काम छोड़ के प्रभु का सेवकाई के लिए निकला। और ये आज से कुछ 10 साल पहले जब हमको जो घर में आ रहा था वो घर मिलने के लिए गया, ऐसे कच्चा परमेश्वर ने मेरे संदेह में डाल दिया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जो वचन हम पढ़ते हैं उसको हमारे अंदर काम करने के लायक वो जीवित है। अब्राहम का 4:12 में लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है, वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव। ये वचन कैसा काम करता है ये हम लोग मनन करते रहेगा तो वो मालूम पड़ेगा। जैसे हम लोग घर का बात करने के लिए गया, बैंक मैनेजर के पास एक लोन लेने का था 4 लाख रुपए का लोन, बाकी सब पैसा भर दिया मेरा घर का बटोरा है, मैं सब कुछ मिला था, बाकी 4 लाख का लोन लेके ले गया। तो मैनेजर ने मेरा लड़की को लेकर गया, आज भाई में शादी करके तो बच्चे भी हैं, मैं उसको लेकर बात किया, मेरा चर्च में से मिलने वाला इनकम का भी एक रूप बनेगा उनको दिखा, देखो साहब इतना इतना महीने में मिलता है, मैं लोन भर सकते 40,000 रुपये का, 4,000 रुपये का लोन महीना महीने में आएगा। तो उन्होंने बोला साहब आपका एक अच्छा पेपर का पेपर हम मानेंगे, आपको अच्छा कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का डॉक्टरेट में आपका वगैरह वगैरह है, और कुछ आपको उम्र कितना में बोला 55 को ऊपर दो अभी आपको लोन ही नहीं मिलेगा। अरे आपको आपके घर में और कौन कौन है, बेटा है, बेटा का कितना है वगैरह वगैरह है, उसको भी लोन नहीं मिलेगा। आप कौन है, बेटी है सामने बेटा, और इसका दिखाओ पेपर दिखा, इसको 4 लाख रुपये लोन मिलेगा। तो मैंने उनके सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रखा, अच्छा ये लड़की को मैं लांबे लोन लेगा घर से लेने आ जाएंगे, आओ कुछ 4-5 साल के अंदर शादी होने वाला है, और शादी होके गया वो ससुराल वाला तुम्हारा तेरा वो उठा के ना वो देखते पैसा लेकर आ जाओ, लिखी का जिंदगी है परेशान हो जाएंगे। थोड़ा पैसा हमने भरा है, पप्पा का बंटवारा मेरा वो भरा है, अभी पैसा भी नहीं भरने वाला, एक पैसे इसका लेते नहीं है, लेकिन फ्लाते उसके नाम है तो हम लोग रोड डाल जाएंगे। मैनेजर ने बोला मैंने मेरे पास बैठ के बकवास मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है, आपको फ्लैट चाहिए 4 लाख रुपये का लोन चाहिए, लड़की का नाम ले लीजिएगा नहीं तो प्लीज गो आउट। परमेश्वर मुझसे बात किया, तू नौकरी छोड़ के बाहर निकला मेरे बारे में नौकरी छोड़ा करके बड़ा घमंड करता था ना, अभी एक 10 लाख रुपये का फ्लैट में आ गया तो तू मेरा मेरा करके पकड़ता है। परमेश्वर धन्यवाद, उसका ही नाम में लिख लो करके लिखा, आज भी फ्लैट उसके नाम में है, गाड़ी चला के आया बेटा के नाम में है, एक स्कूटर है बेटा के नाम में है, हम दोनों को अपना एक पति एक पत्नी है। याद रखो परमेश्वर ऐसे कुछ काम करता है, मेरा अपना बोलने के लिए छोड़ता नहीं, बेटा वो तेरा नहीं है, मैंने तुझे दिया है, चलाने के लिए दिया, दिखाने के लिए, तू क्या करने वाला करके मुझे देखना, क्या धंधा करेगा तू करके देखने के लिए सुविधा दिया। ये मतलब से हम लोग केयर टेकर होता है इंग्लिश में, देखभाल करने वाला मालिक है, ठेकेदार हिंदी में समझते हैं, करेगा तो परमेश्वर खुश है, कुछ मेरा नहीं है, आज भी मुझे बुला सकता है, 3 दिन का क्लास चलाने के लिए प्रोग्राम बना के आया है, आज रात कोई घाटा नहीं हो गया तो अपना पास था बस ही बेटा है और मुझे बचाने को नहीं मिला, आखिर विश्वास खींच लिया तो जाना ही पड़ेगा, फिर बाकी सिखाने वाला और कोई आगे सिखाए, परमेश्वर अपना काम रोकने वाला ही नहीं। इसीलिए हम लोग ईमानदारी से इंग्लिश में बोलूँ प्रोफेशनली मसीह बनना, परमेश्वर के साथ तेरी संभाल कर बना। इधर ये लोग घमंड कर, ये लूसिफर घमंड कर दिया, घमंड विचार से प्रकटीकरण में आ गया तो परमेश्वर उसको पकड़ा, दिल में सोचकर मन फिराने का अवसर उसको था, लेकिन वो सीमा क्रॉस करके लोगों को भी बताकर और दूतों को बताकर पूरा स्वर्गदूतों की एक 1/3 को एक तिहाई को अलग कर दिया करके भाई बताते हैं
करने गया, परमेश्वर उसको पकड़ा, उसको दंड देकर गिरा दिया, वो शैतान बन गया। याद रखो, परमेश्वर शैतान को बनाता नहीं है, बुराई को बनाता भी है। यूहन्ना का 10:10 में ऐसे पढ़ते हैं, चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है, मैं तुम्हें यीशु बोलता है जीवन और भरपूर जीवन, बहुतायत से जीवन, और अभी नहीं करेगा बिल्कुल तुम्हारा जीवन देने के लिए। परमेश्वर जीवन देने वाला, आशीष देने वाला, लेकिन हम लोग परमेश्वर से अलग होकर गया, तभी उनसे बचने तक, बचने के लिए कभी कभी थोड़ा थकेली भी देना पड़ता। उगाड़ आया बच्चे को, इंजेक्शन लेना बच्चे पसंद नहीं करता है, लेकिन माँ को हाथ पाए पकड़ के इंजेक्शन दिलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि चंगा होना है ना। इस तरह की कुछ बातें शिक्षा हमें मिलते रहेंगे, क्योंकि हमने गलती करके शैतान का दोस्ती बना दिया। एदन की बगीचे में जब अपने माँ बाप ने गड़बड़ कर दिया, हम लोग एक दुनिया का ईश्वर, देखो ये तस्वीर में ये देखो, ये दुनिया का ईश्वर बना, अविश्वासियों का मन बनता करके सेकंड और इंजन 4:4 का वजन को तस्वीर में हमारा देखा है, इस तरह की हालत में आ गया। हम लोग अपने पुराने इतिहास में आएंगे, ये अच्छा दुनिया जो स्वर्गदूतों को रहने के लिए पहले बनाए थे, उसमें रहते और घमंड करके वो परमेश्वर के खिलाफ हो गया, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया, और वो धरती जिसको उसके लिए बनाया था वो बेडोल और सुनसान बना दिया। और बताएगा पहले दूसरे योजना में बातें लेके रखा है, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, ये आके बेडोल और सुनसान बना दिया, वो बना दिया धरती को, परमेश्वर ने पुनः सृष्टि करके, युगों के बाद शायद कितना है बाइबल में बताएंगे, युगों के बाद पुनः सृष्टि करके हमारी माँ बाप के हवाले कर दिया, फूलो फूलो आगे बढ़ो, सब सृष्टियों का अपने वश में लाओ, ऐसा करके धरती को ऊपर बना के दे दिए। लेकिन ज्यादा दिन बीतने से पहले ये परखने वाले को परमेश्वर ने परमिशन दे दी, परमिशन दे के उसको भेजा और आके अपना माँ को अकेला मिला। याद रखना, हम सब एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। आज अलग अलग धर्मों में, सिद्धांतों में उल्टा सुलटा सिखाते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट बताते हैं एक ही माँ हमारा और एक ही बाप हमारा। इसका सबूत मेडिकल साइंस देते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी भी देते हैं, डीएनए चेकिंग करके देखो, तुम फिर के हम लोग आदम के पास जाएंगे, पीछे 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 आगे ब्लड फंक्शन निकाल के देखो, दुनिया में टोटल 8 ग्रुप का ब्लड है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, 8 ग्रुप का है। वो अमेरिका में जाओ, लंदन में जाओ, जापान में जाओ, चाइना में जाओ, अफ्रीका में जाओ, एक ही 4 ग्रुप है। और वो ग्रुप हमारा मानसिक होता है तो रिश्ता भी खून आपको चलेगा भी है, ए नेगेटिव सफेद कलर वाले को काला कलर का नहीं चलेगा, सब कुछ नहीं, सारी ग्रुप मानसिक वाला है। इसका मतलब परमेश्वर ने बनाया हुआ सृष्टि जो बाइबल में बताए, हकीकत करते सच्चे करके मेडिकल साइंस अपना सर्टिफिकेट देते, ये बातें सब हमको मालूम पड़ेगा। दुनिया में रहने वाले लोग, एक दुनिया के वैज्ञानिक मंडल में रहने वाले लोग को एक एक, एक मेंढक के जैसा अपना धरती में, अपना बावड़ी में घूमते रहता है, मंडक होता है और बावड़ी में घूमते रहता है, और ये मेरा साम्राज्य है, मैं क्या कर रहा हूँ, तब ऊपर का होगा क्या बोलेंगे, मुझे क्या मालूम है, इसके तेरा ये बावड़ी के ऊपर एक दुनिया है, ऐसा ऊपर है हम वो मेंढक के जैसा है। इसलिए परमेश्वर का वचन के ज्ञान में आ गया, परमेश्वर के वचन की परीक्षा में आ गया, उसको अनुसरण करना शुरू करेगा, हम कुछ अलग होता था। इसलिए दूसरे कोरिन्थी 5:17 में ऐसे पढ़ते हैं, सेकंड कोरिन्थी 5:17, अगर कोई यीशु मसीह में है तो इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। सुना आपने, अगर कोई यीशु मसीह में है तो सभी नारा कर बोलेंगे, मेरा बाइबल कहते हैं, बोलिए बोलिए ना मेरे पीछे, मेरा बाइबल कहते हैं, अगर कोई यीशु मसीह में है तो, अगर कोई यीशु मसीह में है तो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नया हो गया। मैं यीशु मसीह में हूँ, मेरा प्रभु यीशु ही है, मर के जी उठा, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है, इसलिए मैं एक, इसलिए मैं एक नया सृष्टि हूँ, नया सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई है, बीत गई है, मैं नया हो गया, मैं नया हो गया हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।
ये परमेश्वर का वचन में लिखे रखा हुआ बातों को सब अपनाना शुरू करेगा। जैसा 300 वचन में दाऊद क्या बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है ना, इसलिए वचन की वायदा को लेकर मेरा नाम डालकर मैं बोलना शुरू करेगा, परमेश्वर वो चेक के पीछे सहन करेगा। तो मेरा वचन को तेरा वचन करके मान लिया ना, मैं नहीं मानता, तू अभ्यास कर ले, ये परमेश्वर का तरीका है, ऐसा हम करते रहेगा। आप देख रहे हो डालिए एक लड़का जिद पकड़ा और बड़ा राजा नबूकदनेस्सर दानियल के सामने मुंह के बल दे, क्योंकि सिर के मान में डाला था, सिर उसको खाए, राजा सपना देखा भूल गया था, सपना भी बताया मतलब भी बताया। हमको परमेश्वर नंबर वन ही बनाने वाला, नंबर टू बनाकर पीछे पीछे जाने के लिए बनाया हुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर है नंबर वन और उनके बच्चे भी नंबर वन होना परमेश्वर के नाम। इसलिए वो विश्वास में वो सच्चाई में पकड़े हुआ, कुछ भी करो परमेश्वर का पढ़ाई, परमेश्वर को सेक्रीफाइस त्याग करना ही नहीं, इसका मतलब कुछ चीज से नुकसान जाएगा तो भी हम नहीं करेंगे, और कुछ चीज से दुनिया करे ना करे हम करते भी रहेंगे, अपना परमेश्वर का सुंदर आराधना करते रहेंगे। एक अविश्वासी 10 बार आपकी गली से हमें आए दो और एक बार बोला मैं 10 बार तेरी चर्च में आया ना, एक बार हमारे मंदिर में भी आ जाऊँ, जवाब यही है मेरा जान जाएगा तो भी मैं नहीं जाऊँगा, वो अदालत है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ के मेरा कोई जिंदगी है ही नहीं। ये बात हम सबकी जिंदगी में आएगा। अब उनमें से काफी लोग, आप लोग इधर कितने काम पे जाते हैं, हमारे कई लोग बॉम्बे सिटी में काम पे जाता है, काम पे जाने वाले को मैं बोलता हूँ संडे को आराधना के आने के लिए आपको तकलीफ है तो आप जिंदगी में ईमानदारी से काम करते रहो, ताकि आपका सेठ आपका मैनेजर बोलेंगे कि लड़का बहुत ईमानदार है, अच्छा काम करता है, बराबर है। इतना सुनने के बाद उन्होंने कहा साहब संडे सुबह 12 बजे के पहले मैं आने वाला नहीं, ऐसा कैसा, मैं प्रार्थना करूं मेरा जिंदगी भी सफल होता है, आपका बिजनेस भी सफल हो जाए। इतना बोलेगा तो सेठ के अंदर परमेश्वर की झाड़ डालेंगे, दानियल का परमेश्वर अपना सेठ का परमेश्वर बनने का ही है। इस तरह काम करते आगे बढ़ो, अपना परमेश्वर जीवित परमेश्वर एक मात्र परमेश्वर करके दुनिया को बताने के लिए एक कारण बनो ना, इसके लिए आपको बनाया, इसीलिए नया सृष्टि बनाया। तो आगे बढ़ेंगे, ये धरती को पुनः सृष्टि करके जो बिगड़ा हुआ धरती बिगाड़ दिया उसको पुनः सृष्टि करके परमेश्वर ने अपने माँ बाप को बनाया, बना के अंदर डाल दिया, अंदर डाल के इतना कंडीशन बताया सारे वृक्ष का फल बेखड़ के बिंदास कर सकते हैं, लेकिन एक वृक्ष का फल जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष करके नाम रखा है उसका फल खाएगा नहीं, वो वृक्ष का फल खाएगा वो दिन मर जाएगा। याद रखिए बात, एदन की बगीचे में जब आदम हुआ का शादी होते थे उधर कोई मृत्यु की बात सुना लेगा, आप शादी में जाके देखो हर शादी में पति पत्नी के साथ दूल्हा दुल्हन के साथ मन्नत लेता है, वाचा प्रतिज्ञा करता है, उसका फाइनल वर्ड ऐसा है जब तक मृत्यु हम एक दूसरे को अलग न करे तब तक मैं आपके अधीनता में तेरे साथ विश्वस्त बनकर पालन पोषण करके रहूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा लेना पड़ता है, मतलब शादी में मृत्यु पाला जाता है। ये एक ऐसा शादी था जिसमें मृत्यु की बात सुनाई देती है, क्योंकि तो दुनिया में मृत्यु है ही नहीं था, परमेश्वर सदाहट को बनाया ही नहीं, मरना परमेश्वर का योजना है ही नहीं है, याद रखो हम बोल बोल के सुन सुन के देख देख के मरना तो मजबूरी है बाबा बोलना शुरू कर दिया, परमेश्वर बोलता है मरना मजबूरी नहीं है मरना मजदूरी है, कोई मजदूरी का काम अगर तुम करता नहीं था तो मरता नहीं था, परमेश्वर बोला जो वृक्ष का फल में खाने को ना बोला खाएगा तो मर जाएगा, नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा, बोलो ना, दूर से बोलो ना, हाँ ऐसा था। आज का मेडिकल साइंस सबूत देता है, जितना जानकारी साइंस के बारे में होता मैं जोड़ के जाता हूँ, और का कहना कि हमारे शरीर का एक एक सेल बदलते रहता है, अब मैं 15-20 मिनट से बात कर रहा हूँ, बात करते हुए काफी सेल मर रहा है, वो मरने वाला सेल को सब पेड़ निकल रहा है खाना की वेस्ट के साथ बाहर फेंक देते हैं, इसीलिए मुझे भूख लगता है इसलिए तुम्हारा खाना पड़ता है, ये काम चलते रहता है। सब साइंस से सवाल पूछते हैं, इतना रिप्लेसमेंट अंदर डालना बाहर जाना होता है तो मनुष्य मर्जी को बदलते बदलते रह सका, तब साइंस बोलते हैं हमको पता नहीं मालूम आई नहीं, तब बाइबल बोलते हैं हमको पता है,
जो दिन हम परमेश्वर सनातन जिंदगी का परमेश्वर अविनाशी जीवन का परमेश्वर का रिश्ते से कट करके अलग कर दिया, हमने कमा के ले लिया। अभी मैं स्विच ऑफ करूं तो लाइट बंद हो जाए और ऑन करने को बताइए, नहीं तो रब लगे। वही आदम ने किया, परमेश्वर के साथ का रिश्ता शैतान की थोके में फंस कर हट कर दिया, दोबारा जोड़ लेके जाते। इसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई और ये आगे का कहानी। लेकिन ये आदम हव्वा की कहानी से हम लोग थोड़ा कुछ सीखे जाएंगे। बाइबल में जो लिखे रखा है हमारी पढ़ाई के लिए, पहले कुरिन्थियों का 10वां अध्याय में लिखे रखा है, पुराने जमाने में जो लिखे रखा है अंतिम दिनों में आया हुआ हमारे बुद्धि उपदेश के लिए। बाइबल में जो लिखा है उसके द्वारा कुछ ना कुछ परमेश्वर को हमको देना है। अलग ये साइंस का ऊपर का सुपर साइंस भी बुक है, इसलिए दिल खोलकर आप पढ़ते रहेगा तो आपका जिंदगी को वो वचन लेते चलेगा, क्योंकि वचन के पीछे वचन का मालिक पवित्र आत्मा खड़ा है। आप बाइबल खोलो, पवित्र आत्मा ट्यूशन टीचर बन के बगल में आके खड़ा हो जाता है। इसलिए वचन संहिता पढ़ के देखो, स्तोत्र संहिता उसमें लिखे रखा है कभी कभी सेला। क्या मतलब है ना, सेला मतलब रुक जाओ, सर सोचो, मुझे कुछ बात करना है, स्टॉप थिंक एंड प्रोसीड, यही उसका संदेश। इस तरह परमेश्वर से बातें करके आगे चलाने वाले। ये वेदन की बगीचे में जब अपना माँ अकेला था, शैतान घुस गया है, शैतान को परमेश्वर ने परमिशन दे दिया। परमिशन क्यों दे दिया? परमेश्वर ने केवल मनुष्य को मर्जी देकर बोला है, मर्जी मर्जी मनुष्य को दिया हुआ है। बाप बेटे का मर्जी को कुछ दिन तक दबा के रख सकता है, लेकिन बड़े बच्चे वाला बाप को एक पक्का पता है, ये एक दिन बच्चा बोलेंगे पापा मुझे कुट्टन बुट्टू वगैरह बुलाने का नहीं, मेरे नाम से बुलाने का, मैं आपका छोटा लल्लू लालू नहीं हूँ। बच्चे बड़ा होते परमेश्वर उसको ऐसी बनाया। अरे जब तक हमारे कंट्रोल में है पालन पोषण करके सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचान करवा दो, ये जवाबदारी करते रहेगा। बाकी सब निधि वचन का 6वां वचन ये लिखे रखा है, बालक को जो रास्ते पर चलना है सिखा दे, जब बुढ़ापे तक वो रास्ते पर चलते रहेगा। याद रखिए बात, मैं माँ बाप को याद दिला रहा हूँ, अपना बच्चे के लिए पैसा कमा के दे दो, कुछ भी करके कॉलेज में स्कूल में डाल के नौकरी में देकर लाखों रुपये खर्चा करके घर बना के दे दो, बाद में आपको बाहर रोड पे सोना पड़ेगा। उल्टा बच्चे को परमेश्वर है कौन, वो क्या करता है, उसने तुम्हारी जिंदगी में क्या किया है, तुम्हें कौन बनाया इंजीनियर या डॉक्टर करके समझाते रहो, उसके दिल में वो बैठेगा, वो भाई परमेश्वर का भाई, वो बच्चे का जिंदगी भी सफल करेगा, आपका रिटायरमेंट नहीं भी संभालेगा। नहीं तो जिस मेहनत के द्वारा आप भूखा बैठकर अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाया, बाहर गांव में भेजा, उस बच्चे के वास्ते आपको दर्द दर्द मना पड़ेगा। उनका परमेश्वर को पहचान करवा दो। मैं जिंदगी के गाने उसे बताऊंगा, मेरे एक बेटी है तो जिसके बारे में अभी बता रहे थे, वो जब भी कल्याण में रहते वो दिनों में मैं पास्टर की सेवाएं करते थे, बिरला कॉलेज में पढ़ते थे, उधर एक अच्छा लड़का का दोस्ती मिला, वो सेकेंड ईयर में कॉलेज यूनियन लीडर था, और एक लड़का को मिला, एक यूपी का भैया, अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा, बहुत होशियार लड़का, और उसके बारे में मेरा बेटी आगे मुझे बोल रहा है, पापा This boy is an ideal husband. ये लड़का एक योग्य पति है। बाइबल का भाषा मालिक तो मेल खाने वाले, लेकिन प्रॉब्लम है वही अविश्वास। मैं सीधा उसको तुम पे प्यार से बोला, बेटी उसके साथ तेरा शादी होएगा, तेरा जिंदगी शायद बचे रहेगा, लेकिन तेरा मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो आगे किसी को यीशु मसीह का सुसमाचार बोलने के लिए मुंह खोल ही नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह को पहचाने वाला तू उसको ना मानने के लिए तैयार होने वाला ये दुनिया का एक नंबर वन लड़के को शादी करेगा, और सुनने वाला बोलेंगे तू शादी के लिए तेरा परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर इसको शादी किया, और तू हमें का सुधार सुना रहा है, मतलब तेरा सेवकाई तेरे दिल के अंदर जो है वो करता हूं, ये बात बोल के मैंने सोचा होगी। एक दिन वो लड़का उसका माँ को अपने घर में बुला के खाना वगैरह खिलाया, बुलाने के बाद तब तक मेरा लड़की का दिल की बात थोड़ा खुला हुआ था, बताया था, और वो लड़का को भी बोला, बेटा तेरा और मेरा बेटी का शादी हो ही नहीं सकता, ऐसे क्यों? नहीं मैं मेरी भाषा में बोलूँ, मेरा बेटी जिंदा है तू मरा हुआ, उसको समझ में नहीं आया, मैं बोला तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, तुम्हें जिंदा रहेगा तो ही मारा जिंदा का भारी मान पड़ेगा,
ऐसा है यीशु, और हमें उसके बिना जीवन बिताई नहीं सकते। ऐसा कुछ है समझो कहा मेरा बेटी मर गया तो क्या करेगा तू, ऐसा कैसा बोलता आपका बेटी मर जाएगा करके बोल, बोला मेरा बेटी मरेगी सनातन जिंदा रहने वाले मरने वाला है अरे हो गया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा रहूँगा। बोला दो साल गया मैं तो पकड़ा दूसरे जाते इतना बोल के प्यार से विदा भी कर दिया। मेरा बेटी उसको सुसमाया सुनाया था मैंने ही नहीं, मेरा दोनों भाई लोग उसका मामा जो सुसमाया सुनाया था जब बेलों में आया था नीली ऑफिसर करके आए थे सुनाया था तभी भी सुसमाया माने कूंगा उंगा पापा मम्मी का एकलौता बेटा ही इतना पैसा है गुरुमत अरे जान जाएगा तुम चले गए। एक दिन मेरा बेटी प्यार से सौ पर बस देखो हमारा दोस्ती तक खत्म हो जाता है, मैं दोबारा तुम्हें नहीं मिलूंगा, मुझे तुम्हारे बारे तुम्हारे साथ कोई हिस्सा है ही नहीं। ये सोचा ये इतना अपना पढ़ाई वाइबल के शिक्षा में सब जोरदार है इसलिए ऐसा बोलता होगा करके बोल दिया। उसके आगे नो कॉन्टैक्ट, फोन आएगा तो उठाएगा, मुझे बोलेगा बाबा उसका घोड़ा है उठा मत। और ये बात मुझे बोलने के टाइम मेरे लड़की ने मुझे कुछ सब बोला था, वही था मेरा पॉइंट आपको बताने का। पापा एक आइडियल हस्बैंड है योग्य पति, और मैंने इसको ऐसा बोला था जब निकल के आया तब उसके जाके मुझे क्या बोला मैंने, मैं उसको बोल के आया मेरा पापा को छोड़कर मैं तेरे पीछे आ सकता है, मुझे उसका हिम्मत है, लेकिन मेरा पापा ने जो परमेश्वर को मुझे पहचान करवाया उसको छोड़कर मैं तेरे पीछे नहीं आएंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोला प्रभु काफी है, अब मेरा बेटी का जिंदगी तेरे हाथ में सुरक्षित है। मैं माँ बाप को बोलना चाहता हूँ अपने बच्चे ऐसा बोलने के लिए उसको चला रहे, मेरा पापा का मेरा मम्मी का परमेश्वर को छोड़ के मैं तेरे पीछे नहीं आएंगे बोलने के लिए अपना बेटी कदम उठाएगा उसका संगति सफल हो जाए सभी को जान तब प्रभु तारीफ करेंगे, मुझे छोड़ेगा लेकिन परमेश्वर को बस वही चाहिए ना अरे यही शिक्षा हम ट्रांसफर करने का ये विरासत ये औकात हम बच्चों को छोड़ देना तब हमको अशुभ बनाना नहीं पड़ता। इधर अपनी माँ जी ने कहा देखो परमेश्वर पे बोला था खाने का नहीं करके भले बुरे का वर्ष करके हम खाने का नहीं करके, पापा को बोला था पापा ने मम्मी को भी सुनाया मम्मी बोला थी ये सांब अच्छी तरह अलग अलग शब्दों में उसका नाम रखा है। आगे पूछता है क्या परमेश्वर ने कुछ बोला खाने का नहीं, हाँ बोला है भले बुरे का वर्ष का फल खाने का नहीं खाएगा तो मर जाएंगे। एक दो मिनट थ्री मिनट का डायलॉग जो तीसरा थैमल पति ने लिखा है मैं भर्ती नहीं चाहता हूँ शैतान ने मुझे बोला है आप बोला है खाएगा तो मर जाएंगे अपना माँ बराबर बोल भी दिया। अगला स्टेटमेंट सांप के तरफ से नहीं तू मरोगे नहीं, उसके आगे कुछ डायलॉग चल रहा है तू जान पाओगे परमेश्वर के जैसा बनोगे करके परमेश्वर जानदार करके वजरा सब माँ सुनते है बेटा बेबड़ा शराब अंदर डालते रहा जैसा हो गया। फिर माँ बोलता है वो देखने में अच्छा है ज्ञान माने के लिए अच्छा है भला भी काटा सुख में मारने वाले आपको बाइबल पढ़े दो मतलब दो मिनट पहले वो बोला था खाएगा तो मर जाएंगे खुद का मुंह से खुद का मर्जी से बोला था दो मिनट के बाद क्या बोल जाए वो अच्छा है एक प्रोफेसर मार के देखा तो बाबा वो टेस्टी है अच्छा गप्पा मारने वाले के साथ बैठ के गप्पा मारेगा तो मजा है यार सुन का कहानी सुनाते हैं। हम जिंदगी में अपने आप को बेवड़ा बना देते हैं बिना पीते वहां पर ऐसा गलती कर दिया ये गलती करने के द्वारा वो फंस गया खाया पाप में गिर गया नंगा था लेकिन नंगा नहीं हुआ क्योंकि महिमा का आवरण था उनको ये सब फिल्म के ऊपर रोशनी आएगा तो फिल्म दिखता नहीं है ना बल्कि इसी तरह महिमा का आवरण था वो डर गया नंगा लगा डर गया ठाके छुपक के बैठ ऐसा करना पड़ा उनको इस तरह कर दिया। अब ये माँ का किया हुआ बातों को हमारी जिंदगी में आएगा तो हम क्या करें मैं आपको एक उदाहरण से बताऊंगा। 18 उम्र का अपने जोशा के जैसे का लड़का घर में रहकर पास्टर जी और बहन जी मिलकर बाहर गए अचानक मेरे जैसे बाड़ी वाला बाबा आ गया घर में मैं फलाना फलाना मंदिर से आया हूँ बाबा बाबा आए करके और एक सवाल पूछते थे तेरा पप्पा तुझे स्कूल में जाने के लिए फीस बराबर देता है और तेरा मम्मी बराबर खाना पका के देता है जोशुआ क्या जवाब देना चाहिए बाबला हाँ यही है प्रॉब्लम यही है प्रॉब्लम अपना मान ही वही डर होगा हाँ हाँ करके बोलिए जोशुआ क्या पूछना चाहिए
कपड़ा के बारे में जिसने मुझे जन्म दिया आज तक पालन पोषण करके आया, मुझे प्यार करके पेड़ में लेकर से अभी तक चलाया, और पापा होने के बारे में पूछने वाला दाढ़ी वाला तू है भगवान, ये सवाल पूछना चाहिए था ना, ये बराए तू अभी आ रहा पहली बार मिल रहा है ना, तू है कौन, मेरा पापा के मेरा होने के बारे में पूछने वाला, अगर अपनी माँ जी ऐसा पूछता रहा तो हम आए दिन बगीचे में पैदा होता था, गड़बड़ कर दिया, अरे अगर माँ को दोष लगा के भाई ने वो कर दिया, माँ दिया पापा के पास में, और पापा को थोड़ा पढ़ता है इंग्लिश में पढ़ के देखो बड़ा तो पढ़ता है मम्मी, क्योंकि मम्मी को पता हमें गिर गया अभी तो पति को भी सारे देना पड़ेगा, लेके लिया पति के सामने सवाल आ गया, मैं खाऊं मेरा पत्नी खुश परमेश्वर नाराज, मैं अगर नहीं खाऊं पत्नी नाराज परमेश्वर खुश, क्या करूं, पापा विचार में आ गया, लेफ्ट राइट सोचा, पत्नी का गया पत्नी का बात मान लिया, अरे बोली खाया, परमेश्वर ने दंड देते हुए ऐसा बोला, मैंने ना खाने को बोला था पर फल तू तेरा पत्नी का बात सुनकर खाया, इसीलिए तेरे वास्ते भूमि सभी धन, याद रखो अगर पापा होता था तू गड़बड़ कर दिया है, एक काम कर रुक मैं आते आता हूँ परमेश्वर को जाके पूछ रहा हूँ, ऐसा अगर बोलता था तो अब गोपाल में क्या होगा, परमेश्वर कुछ ना कुछ इलाज करता था, अगर इतना तक आनंद करता था तो अभी मैं आपके सामने और एक सवाल रखना चाहता हूँ, और बाइबल शिक्षक लेने के लिए आया, आप इतना बार बाइबल पढ़ा चाहे विश्वासी भी, आदम ने जो गलती किया औरत की बात सुनकर परमेश्वर की बातों को ठुकराया, गलती किया ना, वो गलती नहीं किया एक व्यक्ति बाइबल में है, स्पीड ऑफ द मैन पढ़े बता सकते हैं, स्पीड ऑफ द मैन मेरा चाचा ही बोलने था, बोलने के पीछे था भी कम हो, आदम ने जो गलती किया वो गलती नहीं किया ऐसा एक व्यक्ति बाइबल में है, बोल सकते हैं है कौन, आपका टाइम खराब आई हूँ बोला था गुड गुड, मन में एक कप चाय देता हूँ, आयु के सामने यही प्रॉब्लम था, जिंदगी एकदम पक्का, समाज में इज्जत, पैसा का पैसा, परिवार एकदम धूमधाम, दस बच्चे सब सेटल, एक दिन परमेश्वर के मीटिंग में शैतान आ गया, परमेश्वर ने शैतान को चुगली किया, देखा तू मेरा लाश, शैतान को फायदा उठाया, आपने उसको बाड़ा बांध के रखा, जरा आशीष देकर रखा, तू क्यों ना अपनी तारीफ ना करे, ठीक है तू आशीष को उड़ा ली, बच्चे को कदम कर डाला, सर संपत्ति को उड़ा दिया, अरे आयु ने मुंह खोलकर परमेश्वर की निंदा नहीं की, दोबारा शैतान आया तो बोला वो तो बेमतलब मुझे आयु को सुनाने के लिए दिया, देखो अभी भी उसका भक्ति पकड़ के बैठा हुआ, वो क्या मालूम है उसका शरीर को सरद छू ले, ठीक है वो भी देता हूँ लेकिन जान पे बात रखने का नहीं, कंडीशन देखिए याद रखना, शैतान कबूल करने वाला एक बात, आज शैतान के ऊपर अधिकार पाया उसे बोल देना, बाइबल के अंदर से हम परमेश्वर को पहचाना है, बाइबल के द्वारा हम अपने आप को समझना है, बाइबल के द्वारा शैतान को भी पहचाना है, आयुब के ग्रंथों में शैतान परमेश्वर को बोलने वाला वचन सुन के देखो, आपने बाड़ा बांध के रखा है मैं यह करूं, इसका मतलब परमेश्वर हमारे ओर बाड़ा बांधेगा, शैतान बोलता है मेरे से पूछे होएगा नहीं, अर्थात बोलने का परमेश्वर खा ले लिया, शैतान खुद का कमजोरी कबूल कर देगा, अच्छा बोलने वाला एकदम नहीं है आपको झूठ बोल के बसाने वाला है, उदाहरण है प्रकाशित वाक्य का किताब, तुम पढ़ेगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा, वो लंबे से आने वाला वो दास भी मारे करके बोले झूठ बोले, आज मैं आपको चाहता हूं आप में से कुछ लोग खड़ा हो जाए, ये पढ़े और पढ़ाना शुरू करें, कलीसिया में उसकी शिक्षा की जरूरत है, ये आगे भ्रष्ट वर्ग में आएगा तो उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन झूठ बोल के फंसाएंगे, लेकिन उसको हकीकत पता है मैंने फंस गया, मैं खुद फंस गया, परमेश्वर का दंड में गिरा है, और मेरे गुस्से में मेरे जलन में मैं मनुष्य को फंसाते रहता है, लेकिन मेरा फाइनल डेस्टिनी भी मैं आपके आगे शेयर में करने वाला हूं, शैतान को हकीकत पता है लेकिन हमको फंसाते रहता है, उसकी झूठ के फंदे से बचने के लिए हमें सच के फंदे में आना है,
तब हम लोग बचे थे, शैतान हमसे होशियार है, लेकिन यीशु मसीह के साथ तब टिके रहेगा, परमेश्वर की बातों को मानते रहेगा, शैतान हमसे दूर रहेगा और बोलेगा मेरे से होने वाला ही तुमने। हमको मरने तक अपना जिंदगी को संभालते रखना, पहले हमसे होता ही नहीं था। एक वजह पड़े उतार पाने के पहले और उतार के पाने के बाद हमारे जिंदगी में फर्क है। उतार के बाद हमने देखा अगर वो यीशु मसीह में है तो नई पर नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया, पढ़ चुका है। अब उसके पहले की बात रोमियो का सातो अध्याय 19 वचन पढ़े, रोमन्स 7:19। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता। मैं यही इंसान का प्रॉब्लम, भला करना जानता है लेकिन होता ही नहीं है, बुरा करना पसंद नहीं है लेकिन हो गया। माँ मर गया तो दुख मिटाने के लिए शराब पीता है, बहन का शादी हो गया तो आनंद मनाने के लिए शराब पीता है। ये दोनों हमारे घर का होता गदर नहीं, हम लोग कितना गिरा हुआ उल्टा सुनने का। सरकार की बात देखो, सरकार शराब की बोतलें में लिखे रहेगा शराब पीना तुम्हारे तंदुरुस्ती के लिए हानिकारक है, खतरनाक है। सिगरेट पैकेट में लिखे रहेगा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। सरकार को कुछ भी देखो, तुमको छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस देके हम लोग रखा है। अगर सिगरेट पीना तंदुरुस्ती के लिए हानिकारक है तो तंबाकू खाना खराब है तो शराब पीना गंदा है तो महाराज बंद करो ना, तुम्हारे पास अधिकार ना मिलते या पुलिस से एफआईआर छिपा दो ना, करो ना। आज तक कोई सरकार दिया नहीं गया, दोबारा छापते ही रहेगा। एक ही खेल का सब 19 में भला करना जानता है, सरकार भी जानता है लेकिन होता ही नहीं है। आज शराब का धंधा पूरा बंद करके देखो इंडिया का, वो जो बंद करता अगला इलेक्शन में आएगा तो हमारा सीट नहीं मिलेगा, हमको ऊपर आने की चमका नहीं मिलेगा। इसलिए बोलो चुपके से कर लो, परमिट रूम बना के दिया है ना, मतलब शराब पीने का तो उधर बैठ के पी परमिशन ले लो, हम लोग परमिशन देता है सरकार अलग है और उधर पी के बैठ के मर। ये परमेश्वर की बाहर की लोगों का हाल है, ये बात आप समझना जरूरी है। हम कौन है करके बात समझ लिया, वो हमको बनाया परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाकर जाएगा, क्यों हम ना डरेंगे ना डगमगाएंगे, कदम कदम रहकर आगे बढ़ेंगे। विपत्तियां आते रहेंगे, समस्या आते रहेंगे, लेकिन वो हमको गिराएंगे नहीं, हमको अनुभव देकर आगे बढ़ाएंगे। परीक्षा में अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भी आते हैं, अनपढ़ बच्चे भी आते हैं। अनपढ़ बच्चे के लिए परीक्षा एक ट्रैजेडी है और पढ़ा लिखा बच्चे के लिए प्रमोशन अगला क्लास है, ये परमेश्वर का तरीका। इसलिए हम लोग ऐसे रहना है, इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। इधर पापा ने गलती किया, आयुब ने जो गलती नहीं किया, इस तरह हमको परमेश्वर ने इतना अच्छा शिक्षा देकर आगे बढ़ा। ये आदम को ऐसा किया, अपना मनमानी से परमेश्वर की बातों को टुकराया और निकल गया। उधर से आगे का पीढ़ी अंदाज 2000 साल परमेश्वर तेरा प्रवेश से पूरा भूमि को नाश कर दिया। इसके बीच में मनुष्यों के बीच में और पति का छठवा अध्याय में एक बात लिखे रखा है, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य की पुत्री हम सुंदर रह करके समझ कर उनके साथ शादी ब्याह करके बैठा है। पहले जरा पड़ी पति से काम रहेगा था, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर की पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। इस तरह मानव जाति फर्स्ट होके गया, करप्ट होके गया, परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं पाया, क्योंकि एडन की बगीचे में जब गिर गया था परमेश्वर ने आदम हव्वा को याद दिल में रखकर वायदा किया था, एक औरत का बेटा आने वाला है, वो इस दुश्मन शैतान के सिर को कुचल डालेंगे और तुमको बचाने के करके वायदा किया। वो वायदा पूरा करने के लिए परमेश्वर अपना उद्धार करता मसीहा आने का रास्ता देखते देखते बनाते थे। जब जल प्रलय के जमाने में आया, एक परिवार नोहा उसका परिवार को छोड़कर बाकी सब ये गड़बड़ की फर्स्ट होने की वातावरण में आ गए, सबको गलत कर रहा है। इधर भी एक बात हमें सीखने को मिलता है,
इधर परमेश्वर जब जलप्रलय के द्वारा पूरा दुनिया को खत्म कर देते हैं 8 नेशन को बचाकर, इसका मतलब अपना परमेश्वर पब्लिक की बात सुनने वाला है। आज अथॉरिटी में कौन आता है? कांग्रेस कोई भी पार्टी आने दो, बीजेपी आने दो, कांग्रेस आने दो, तृणमूल आने दो, आने दो, कोई आने दो, हम सुन के लगा नहीं। ज्यादा लोग किसको वोट किए वो आता है, परमेश्वर लोगों के मानने वाला है। मेरा कहने वाले को मैं मानूंगा और वो मेरा मानेगा तो मैं उनको भी मानेगा, ये परमेश्वर की तैयारी है। ये बात पक्का याद, एक पूरा दुनिया को खत्म कर डाला, सिर्फ 8 लोगों को बुलाया, उनके बच्चे बलिदान करके परमेश्वर एक शुद्धिकरण का काम कर दिया। लेकिन आगे भी हम बाइबल पढ़ते रहेगा तो दुनिया फ्रस्ट होते होते ही गया। परमेश्वर बोला फूलो फलो, बोलो फूलो बनने के बदले घुमट बना करके आगे बढ़ने के लिए प्लान बनाया। परमेश्वर ऊपर से उत्तर कराकर उनका भाषा बिगाड़ दिया, बड़ा मकान बनाने के लिए, टावर बनाने के लिए प्रोग्राम बनाया, उसको भाषा बिगाड़ दिया, ईट लेकर आ जाओ, पानी लेकर आ जाओ, तो काम होता ही नहीं। हिंदी मराठी इंग्लिश तेलुगु कन्नड़ा सफा में भाषा का उल्टा शुरुआत, इसलिए लोगों को निकलना पड़ा, अलग अलग दिशा पर निकलना ही पड़ा। इस तरह निकालना, इस तरह बनाने के बाद अंदाज 427 साल हो गया करके बाइबल स्टूडेंट्स बता रहे हैं। उधर परमेश्वर एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम अब्राहम है। अब्राहम ऐसे व्यक्ति था परमेश्वर के बारे में सोचने वाला था, परमेश्वर के बारे में चाहत था, इसलिए परमेश्वर उनको चुना। उसका 18:19 से पढ़े पूरी पत्ती। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। मैं परमेश्वर अब्राहम के बारे में बोलने वाला सर्टिफिकेट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है। मैं जानता हूँ वो उसका बच्चों का और उसके पीछे आने वाला पीढ़ी को मेरा भय आदर मानने वाला बात सिखाने वाला है, इसलिए परमेश्वर को चुना। हम अपना लाइफ स्टाइल संभालेगा, परमेश्वर उनको चुनता है। जितना जानकारी है उतने में ईमानदार रहने वाले को परमेश्वर चुनता है, चुन के अपना काम में लगाता है, अपना लाइफ स्टाइल देता है, अपना आशीष देता है। याद रखो इंसान की मानसाक्षी के अंदर एक आवाज आते रहता है, भला करना है बुरा नहीं करना, और मेहनत करके तकलीफ उठा के कुछ ना कुछ करते रहेगा। परमेश्वर बोलते ये व्यक्ति ईमानदार है, उसको बुला के और काम दे देगा। मैं देखा है कि अब्राहम ऐसा ऐसा करने वाला है, इसलिए चुनकर उसको आगे का बहुत बड़ा योजना का एक ठेकेदार बना दिया। इधर तक कलीसिया भी आज अब्राहम को विश्वासियों का पिता करके बोलते हैं। इस तरह परमेश्वर ने कर दिया, अब्राहम को चुना, अब्राहम को बता दिया मैं दिखाने वाला जगह पे तू जा। अब्राहम आगे पीछे देखा नहीं, निकला पापा भी निकला, लोत उसका भाई का बच्चा बेटा भी निकला, सब मिलके गया। आगे 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 परमेश्वर को अब्राहम से अकेला बात करना है। कुछ दिनों के बाद पापा गुजर गए, उसके आगे आगे लोत को भी हटाना क्योंकि परमेश्वर को प्रोग्राम अब्राहम के साथ है, आशीषों से भर दिया। भर दिया तो दोनों के साथ 10 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। तब अब्राहम ने बुलाकर बोला भैया हम लोग सब खानदान के लोग हैं, हम लोग आपस में झगड़ना सही नहीं है, इतना संपत्ति तुझे है, इतना संपत्ति मेरा भी है, साथ रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए तू अगर इधर जाएगा मैं उधर जाऊँगा, तू इधर जाएगा तो मैं उधर जाऊँगा। लोग उतने झुकते सुखों को बोरा के तरह मिल गया। परमेश्वर लोत को अब्राहम से अलग कर दिया और बोला तेरे संतान आसमान की तारों के जैसा दोहा है, तेरे संतान समुद्र के किनारे के तिनके के जैसा हो गए यहूदी, बनेगा करके एक लंबा वंश बनेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफेटिकल स्टेटमेंट, ये सब दिल लगा कर हम पढ़ते रहेगा ना, पवित्र आत्मा हमारे दिमाग में ठोकते रहेगा, सुन सुन समझ लिया और देखते तुझे क्या करना है, सिखाते रहता। पर उस जिंदगी में कुछ मजा है, उस जिंदगी में कुछ दम है। आप कौन सा भी काम करने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला, खेती करने वाला, कुछ भी रहने दो, आप परमेश्वर का योजना के अनुसार चलते रहेगा, आपका जिंदगी में ऐसा कुछ सोच आ जाता है
जो कोई रोक नहीं सकता। आपका जिंदगी चलते रहेगा, आप बढ़ते रहेगा। इस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को बोला वायदा के अनुसार आगे आगे बढ़ाया। अभी आगे परमेश्वर ने उनको बुलाकर रखा हुआ ये जमाना, अब्राहम से होकर अंदाज यीशु मसीह तक का जमाना। उसके बाद यहूदी लोग जो अब्राहम की संतान की बच्चे थे, अब्राहम ईश्वर के आंखों का बच्चे थे, वो लोग उनका मसीहा बनकर सारे भविष्यवाणियों को पूरा कर कर अंदाज 60 से ज्यादा पर्सनल भविष्यवाणियों को पूरा कर कर यीशु आया, यहूदियों के बीच में पैदा हुआ, यहूदी लोगों को चेला बनाया, यहूदी लोगों को उठा के ले आया था। तभी भी जलन के द्वारा, गुस्से के द्वारा, अपना बिगड़ा हुआ जिंदगी के कारण अपना मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया। और इस तरह जैसा आदम के द्वारा धरती शपित हुआ था, ये लोग के द्वारा वो खानदान शपित हो गया। इसलिए परमेश्वर ने यहूदियों को छोड़ा और कलीसिया को चुना। ये बातों को बाइबल का एक तीन वचनों में लिखे रखा है, 2000 की अंदाज की कहानी पढ़ी हम लोग, योहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय का 10वां वचन, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। शुरुआत की 2000 साल की कहानी, वो जगत में था, यीशु की बात बोल रहे हैं, यीशु जगत में था, जगत ने उसको जाना ही नहीं। सारे सृष्टि कर्म यीशु ने किया, जो कुछ बना यीशु ने किया, लेकिन तब उनका नाम यीशु रखा नहीं था। जब तक क्रूस पे आके मरने के लिए आया, मार्क मारिया के पेड़ में जब जन्म लेने के लिए, तब तक उसका नाम यीशु नहीं था, वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वो देहधारी होकर आया, तब नाम यीशु दिया। यीशु का नाम का मतलब है अपने लोगों से उठाने वाला, यहोवा, यहोवा बचाता है। तब तक को दुनिया में लोगों के पीछे था, क्योंकि सृष्टि उनका कार्य है, उनको बचाने का जवाबदारी उनको है। उत्पत्ति के दिनों में सृष्टि करने से पहले ये प्रोग्राम परमेश्वर को पता है। पढ़िए रेवलेशन का 13:8, पढ़िए रेवलेशन का 13:8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। जगत की उत्पत्ति के दिनों में घात हुआ परमेश्वर का एक मेमना, और मेमना आदम को कपड़ा पहनाने के लिए काटा हुआ वो भेड़ नहीं है, क्योंकि ये मेमना को जीवन की किताब, जीवन की किताब, जीवन की किताब वाला मेमना उत्पत्ति के दिनों में खत हुआ मेमना। इसका मतलब आदम को सृष्टि करने से पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा का निधि में, चलो हम मनुष्य को अपने समानता में बनाया करके, बनायिका करके लिखे रखा, साथ साथ ये भी चर्चा किया, बेटा तू बनाने को जा रहा ना, वो क्या करेगा पता है, हाँ पापा पता है, वो क्या करेंगे, बिगड़ जाएंगे, फिर तू क्या करोगे, उसको नारे में डालेंगे, नहीं उनके लिए मरने के लिए मिल जाऊंगा। याद रखो इधर आप योना 300 का समझना, देवाने जगावर एवटी कितना इतना प्यार किया। मैं सब तुलना करने के लिए आपको उदाहरण बताऊंगा। मैं एक कसम करता दिल्ली में रहते पास्टर है, उनका एक बेटा बन गया, वो 7-8 उम्र होने के बाद इसलिए जैसा बढ़ के आया, उसके आंग के अंदर कैंसर आ गया। बहुत इलाज किया, बहुत प्रार्थना किया, बच्चा बचाई। दोबारा लोग बच्चा बाकी गाड़ी के बाद कुछ महीनों के बाद ऐसे डॉक्टर को मिलने के लिए गया, डॉक्टर को कहानी से बता रहा, डॉक्टर ने कॉशन दिया आगे आपको बच्चा ना होना अच्छा है, होएगा तो शायद इस तरह की बीमारियाँ आपकी ब्लड ग्रुप के वास्ते वगैरह वगैरह हो सकता है। तो डॉक्टर डिसीजन दिया आगे बच्चा हो नहीं है। उत्पत्ति के दिनों में अभी हम बढ़ा हुआ वचन के आधार पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम मीटिंग में चर्चा होते होते मरदा लगा, आदम को बनाएगा, मर्जी दे देगा, मर्जी उल्टा करेगा, तकलीफ तुझे उठाना पड़ेगा बेटा। परमेश्वर ने बोला तो बनाता ही नहीं, सब नहीं बनाऊंगा, वो जो गड़बड़ करेंगे उसका नतीजा मैं खुद के ऊपर ले लूंगा। समझ में आ रहा, इसका मतलब है ए बड्डी जगावर देवानी जगावर इतना प्यार किया, और प्यार को नाम लेगा, होने दो गलती करने दो, सजा नहीं मिलेगा। ये महान प्रेम को सर मरण करेगा, हम नहीं करेंगे।
इस तरह प्यार करके परमेश्वर ने बनाया कि उद्धार हो गया, इसलिए हाथ धो के पीछे पड़ा है। मुझे मनुष्य बता होकर एक बार धरती में उतरना है, कब? किसके द्वारा? ढूंढ के आ रहा है। नोहा के जमाने में देखा एक ही परिवार बचा है बाबा, इसको भी खत्म, बाकी सब खत्म करने करेगा तो इसको भी भ्रष्ट कर डालेंगे, सारे पृथ्वी को खत्म कर डाला, एक पीढ़ी को अलग करके दे दी। नोहा धरती था करके लेके आ गया, उसके पीछे भी क्या बिगड़ना शुरू कर दिया। बिगड़ने वाले के बीच में से अब्राहम को देखा, उसको पकड़ के वायदा दे दिया, अब्राहम के बच्चे बन गए आया। लेकिन यीशु मसीह का जमाने तक आ गया तब अपना मसीह को लोगों से चला दिया, तब परमेश्वर ने व्यवस्था बदल कर दिया। अभी आपने योना का 1:10 पढ़ा, अभी 1:11 पढ़े, अगला वचन पढ़े 1:11 नेक्स्ट वर्स। वो अपने घर आया, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह यहूदियों के बीच में यहूदी बनकर, यहूदी चेलों को छोड़कर, यहूदी लोगों का उद्धार के लिए मनुष्य अवतार हुआ, अपने घर में आया। मतलब यीशु मसीह ने खुदा जा दिया, लेकर लोगों को बोला था मुझे खोया हुआ इसराइलियों के बीच में ही भेजा। मतलब बच्चों का खाना निकाल कर बोतों को नहीं लगा कर बताया था, लेकिन जब वो लोग इनकार कर दिया, परमेश्वर ने योजना बदलकर सबके लिए एक्सटेंड कर दिया, सबके लिए दे दिया। वही अगला वचन 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जितनों ने उनको ग्रहण किया, यहूदियों को बचाने के लिए भेजा हुआ वो मसीहा को जितनों ने इनका स्वीकार किया, उन सबको परमेश्वर का बच्चा बनने का अधिकार दिया। तब हमारा भी नंबर लग गया, हम कितना धन्य है। यहूदी को तो मानता था तो हमको मिलता ही नहीं था चांस, शायद कलीसिया करके कहीं ना होता ही नहीं था। कलीसिया का शुरुआत यीशु मसीह आने तक दुनिया में दो ही झुंड है, वन जाति, दूसरा यहूदी। आज दुनिया में तीन झुंड है, यहूदी है, जाति है, मसीही है। हमारा जन्म उनका त्याग देने से हुआ। जब कोई उन पर विश्वास किया उनको परमेश्वर का बच्चा बनने का, उन पर विश्वास नहीं किया उनको इनकार कर दिया, ठुकरा दिया। वो लोग यीशु को इनकार करने के द्वारा परमेश्वर का योजना से हट गया। आगे कई 2000 साल की कहानी में आप देखिएगा तो इधर यहूदी को हटाता है और परमेश्वर इनको दे देगा, हमको दे। जो कोई विश्वास करे उसमें यहूदी भी है, लेकिन यहूदी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका यहूदी शीर्षक निकल जाते हैं। ऐसा पक्का ब्राह्मण या पक्का मुस्लिम विश्वास में आएगा तो उसको आगे मुस्लिम होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, नए विश्वासी होते हैं, परमेश्वर का बच्चा होता है, नया जन्म लेकर आते हैं। इस तरह यहूदी को भी आने को चांसेस है, लेकिन वो जात को जो परमेश्वर ने पहले 2000 साल योजना बना के दे दिया था ब्राह्मण के द्वारा बुलाकर, वो प्रोग्राम टेम्पररी कैंसिल करके सबके लिए दरवाजा खोल दिया। वो खोल दिया दरवाजा बंद करने का कुछ मिनट पहले हम लोग इधर खड़ा है, वी आर हियर, हम लोग इधर है। समझ में आ रहा? मतलब ये सब घटना हम लोग क्यों बढ़ रहे हैं? परमेश्वर अपना योजना में कदम कदम रखकर आगे बढ़ रहा है। जो वो सोचेगा वो बोलता है, जो वो बोलेगा वो करता है। हम उसको मानेगा हमारा हिस्सा होता है, हम तो कराएगा हमारा भविष्य बन रहा है। बस इतना ही, परमेश्वर को कुछ होने वाला है नहीं, परमेश्वर अपना मार्ग चलाएगा। दुनिया का कोई भी धर्म वाला कुछ भी बोलते रहते हो, अपना परमेश्वर अपना प्रोग्राम से हटने वाला नहीं है। इंडिया को फलाना फलाना बनाऊंगा करके इंडिया वाला बोलेंगे, दुनिया को फलाना फलाना बनाऊंगा करके और कुछ याद कर लोग दुनिया के बारे में बोलेंगे, लेकिन प्रभु बोलेगा मेरा प्रोग्राम ही चलते रहेगा। मतलब मैं जो बना, इसीलिए आगे का बात भी हमारे लिए लिखे रखा। आज हम लोग इसी पॉइंट में खड़ा है ना, आगे 7 साल ये यहूदी लोग जो इनको ठुकराया था उनको वापस देने वाला है। बाद में यीशु मसीह खुद यरूशलेम में आकर राजा दी राजा बनकर राज्य करने वाला है, उसके बाद ही धरती को जलाकर भस्म करने वाला है। प्रकाशित वाक्य का मुख्य विषय गुजरे है, कलीसिया का जमाना इधर 2-3 हथियार है और उसके बाद 6 से 18 एक एरिया जो भाग ले 7 साल आपको मैंने पीछे दिखाया था, वो छोटा सा एरिया को खुला सा करके 6 से 18 अध्याय में निकलता है। बाद में 19, 20, 21, 22 इधर से इधर तक परमेश्वर ने योजना बनाया ही है,
टीवी चैनल वाला बोलेंगे 2030 में ऐसा एक बाढ़ आ जाएगा, पूरा दुनिया डूब जाएगा। ये दुनिया का मालिक बोलता है नहीं डूबेगा, मैंने दुनिया के लिए प्रोग्राम बनाया। आज कलीसिया का रैप्चर होएगा तो भी 7 साल महाकलेश और 1000 साल यीशु मसीह राजा के राजा बनकर राज्य करने वाला प्रोग्राम बनाया है, वो कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई बदल नहीं सकता है। ये बात जितना हमारे अंदर जाता है उतना हम दुनिया को रोशनी दिखाने वाला बन जाते हैं। इसलिए सुनने वाला तुम जगत का ज्योति हो, गलती करने वाले याद रखना, शक्ति हमारे अंदर घुस जाएगा, उसके आधार पर हम चलना शुरू करेगा, दुनिया हमारे सामने दिखे बने। एक सिंपल उदाहरण बताऊंगा समझने के लिए। आज हम दूसरे लोगों को प्रदोष लगाने वाले पॉइंट है, तुम मटन मछली खाता उसको भी जीवन है ना, वो खाना अच्छा नहीं, गलत है, ऐसा करके हमको बुरा कहते हैं, तब आपका जवाब क्या होगा? ये मटन मछली का बात निकालेगा, हाँ हम मटन मछली खाता है, वो खाने का कोई शौक नहीं है, मैं उन्हें तो खाने के बिना रह नहीं सकता। हमारा भाई को बुरा लगा कि मटन खाता करे, मेरे लिए मैं नहीं खाऊ, लेकिन डर के मारे नहीं खा, ऐसा नहीं, हमको पता है कारण, कारण मैं बोलता हूँ। उत्पत्ति की किताब में ये लिखे रखा है, एदन की बगीचे में जब आदम हुआ को दुनिया बना के दिया था, तब बोला तुम मनुष्य जानवर पशु पक्षी सबके लिए, मनुष्य के लिए बीज फल वगैरह दिया हुआ है, पक्षी पशु के लिए खरा पत्ता दिया हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर बनाया दुनिया टोटल शाकाहारी, पक्का वेजिटेरियन बोल रहे। अभी आप एशिया का 11वां अध्याय में पढ़ के देखो, 65वां अध्याय में पढ़ के देखो, उधर ये लिखे रखा है वो दिन जब यीशु राज्य करने के लिए 1000 साल बैठेंगे दुनिया में राजा दी राजा बनकर, तब ऐसे लिखे रखा है शेर बैल के जैसा खास खाएंगे। अब ऐसे कितना जन वेट पड़ा है, हर बातें पढ़ने के लिए टाइम नहीं लेना, मैं चाहता हूं शेर बैल के जैसा खास खाएंगे, इसका मतलब शेर खास खाता ना, शेर खाएंगे, इसके बीच में क्या होता है? हमारे लिए बनाया हुआ सृष्टि हम बिगड़ने के द्वारा हमारे अंदर का सृष्टि भी बिगड़ गया। बाप थोड़ा शराब पीता है तो बेटा भी थोड़ा शराब के बड़ा सता रहे ना, हम सृष्टि था, मूल सृष्टि, सृष्टि का मूल था, हमारे लिए बनाया हुआ हम बिगड़ गया, वो सब हमारे खिलाफ हो गया। शेर को बुलाता तो आता था, मेरा बच्चों को लेकर ग्राउंड में आकर वो आनंद बोलेगा तो करता था, लेकिन हम परमेश्वर से रिश्ता कट कर दिया, वे लोग हमारा भी रिश्ता कट कर दिया, वो दिन से बिली और चूहा दुश्मन बन गया। अब उनको ये बोलो, आप इतना शाकाहारी करके बात करता है, आपका घर का बिली को बोलो चूहा मत पकड़ो, नहीं तो आपका बाइपोलर जू में जाकर उधर पालन पोषण करने वाला वो शेर है ना, उसको डाल बात खिलाओ, सरकार हाथों पर करेगा, वो मर जाएंगे, ऐसा क्यों? हमको खाने को ना बोलता, उनको बोलो ना मत खाओ करके, और बोलने का हमको पता है पहले वो खास खाता था, आगे भी वो खास खाएंगे, तब पूछेंगे तुमको कैसे पता? तब गर्व के साथ ये उठाकर बोलने का हमारा ग्रंथ मैंने क्या रखा है, ये हमारी ग्रंथ नहीं है, दुनिया का मालिक का ग्रंथ है, इसमें क्या रखा है ये पता है? अच्छा ऐसा भाई ये कहेगा, हाँ लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है देखो, मैं कितना जन बड़ा करके बोलेगा तो सिर्फ सिस्टर का ही हाथों पर, हम अपना ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, क्योंकि कौन पढ़ेगा? याद रखो जाति जाति के लोग बाइबल नहीं पढ़ते, जाति जाति के लोग बाइबल पढ़ने वालों को पढ़ता है, ये बोलता है आज हमारे का 200 रुपये मिल जाएगा, ये बोलता है हम पहले ऐसा गंदा इंसान था लेकिन अभी ऐसा नहीं, देखेंगे हम मसीह करके परखने के लिए दुनिया क्या करता है हमारे में, हमारे घर में यीशु के जैसे दाढ़ी वाले का फोटो रखा है क्या, नहीं रखे कैसे देखेगा, नहीं जोशा के कदम घर के नीचे एक फटका दे देंगे, तब जोशा क्या करता देंगे? तुम्हारा प्रभु का वचन भी लिखे रखा है, एक काम तुम्हारेगा तो दूसरा दिखाओ, वो करता है जो भी देखेंगे, वही है तस्वीर, तस्वीर पर वही है, तुम्हारे घर में फोटो रखा है क्या, क्रॉस रखे गले में क्रॉस डाला है, ये सब नहीं है, ये सब नाटक कर सकता है, लेकिन एक लगा के दे दिया तो मारो करके बोलने को हिम्मत दिखाएगा तो बोलते आया ये सच्ची में यीशु का पीछे जाने का, याद रखो दिखावा परमेश्वर लेकर नहीं, कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा,
जैसे यीशु था वैसा हमको दिखा। इस तरह हम चलते रहेगा, मसीह विश्वास बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इतना आशा भरा फरोश से बंद दूसरा कोई व्यक्ति दुनिया में असर हो रही याद रखे बात। वो क्यों हमसे नाराज हो रहा है, क्यों हमको ये दोष लगाते हैं जबरदस्त धर्मांतर करते हैं। हम कोई भी घर में जाके बोलते हैं ये यीशु मसीह पर विश्वास करो नहीं तो चाकू घुसाऊंगा, हम बोलते कभी। और हम लोग इतना डरपोक बन के प्यार से बात करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर दोष क्या लगाता है जबरदस्त। क्योंकि जबरदस्ती करने वाला एक परमेश्वर हमारे पीछे खड़ा है। जब उन्होंने हमको, हमने उनको सुसमाचार बोला, उन्होंने हमको गाली दिया, ठीक है भाई आपको पसंद नहीं है हम जाते हैं, ऐसा बोलते हुए तुम्हारे पीछे तो खड़ा है ना मेरा चरवाहा, वो उनका दिल में घुस जाएगा। तूने गाली दिया, मेरा बेटा ने कुछ उल्टा बोला, वो ये मेरा होगा, उसको रात को चैन नहीं आएगा सोने के लिए। गाली दिया, हम लोग चल के आए, हम लोग कुछ बोलने को मिला ही नहीं उसको, लेकिन हमारा कैरेक्टर है ना उसको पकड़ के उसका नींद को खराब कराए। मेरा दास आया था तेरे घर पे, तू सहपाही दिया नहीं और गाली दे के भेजा, वो कुछ बोला उल्टा, इसलिए कि मैं उसके साथ वो देख सक नहीं है, ऐसा करके सामना गया और वो को सामना दिखाया, नबूकदनेस्सर को सामना दिखाया, दोनों परेशान हो गए। अपना परमेश्वर करता है काम, हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, हमको नौकर के जैसा काम करना, एक करते रहेगा आप देखते रहो, आपका पड़ोस में आपके रोशनी करके चमकना शुरू करेंगे, आपका कांदा बटाना जाते रहेंगे वो लोग घुमाते रहेंगे और परमेश्वर ऊपर से कांदा बटाना देते रहेंगे। आपका खेती में कांदा डालो, खत मत डालो, कोई पीछे मत करो, वो बन जाएगा सब गुना है। ये आशीष दादा परमेश्वर को पहचान कर उनको अपने जिंदगी का अनुभव को जोड़कर दुनिया को देने के लिए कैसे का जमाना ऐसा है, हमको कुछ भी करके लोगों को अपना प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है। We have to become a gospel to tell the people why I am so। हमें पहले सुसमाचार बनना है ताकि वो लोग पूछे ऐसा कैसा, इसलिए कि मैंने उनसे पूछा why, जब से मेरा यीशु आया सुसमाचार क्या मालूम है तेरा भी जीवन घर में बीबी है, आ है तेरे को क्या करना है, आओ एक बच्चे हैं
आप बच्चे हैं क्या क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, ये मारते रहता है बीच बीच में और वो पूछते रहता है, बातें मारने वाला परेशान हो गया, ये ऐसा कैसे बात करता, मैंने इनको परेशान करते रहता तो वो मुझे सवाल पूछते रहता है। अभी मेरा घर बीवी के बारे में पूछना तो सबको अच्छा लगता है ना, अरे बच्चा पढ़ता है क्या, तंदुरुस्ती बराबर है क्या, ऐसा होता है। बाद में परेशान होकर पूछा, मैं तुम इतना हैरान करता हूँ और तुम मुझे इतना मीठा मीठा सवाल पूछते, ऐसे क्यों, आगे टाइम ना। इसीलिए कि जब से तेरा यीशु आया मेरा जीवन, तेरा भी जीवन, ऐसा बोल दिया कि मेरा भी गलती वो तेरा यीशु माफ करेंगे, हाँ माफ करेंगे विनाश, सबका पाप ले लिया, दंड ले लिया है, मैं क्या करना, प्रार्थना करो, मेरे को आता नहीं है प्रार्थना करने के लिए, तो बोले जैसा आता वैसा करो ना, अगर उसका प्रार्थना सुनो, प्रार्थना करने को सिखाया भी नहीं हम लोग, कम से कम अल्टर कॉल देता और प्रार्थना करने के लिए समर्पण की प्रार्थना करवाते ना, ये उमरान ऐसा भी नहीं बोला, जैसा आता वैसा करो उसका प्रार्थना, कैसा था मतलब, रिचार्ड उमरान का परमेश्वर, अगर मैं आपकी जगह पे था तो इसके लिए आदमी को माफ नहीं करता ना, लेकिन ये बोलता है आप माफ करने वाला कर दे, ऐसा है तो मेरा भी जिंदगी को सारा बदलना और बहुत परेशानी है। एक सिंपल प्रार्थना, वो प्रार्थना नकली है कि ओरिजिनल है, ओरिजिनल प्रार्थना, बस इतना ही प्रार्थना किया, चले भी गया आदमी, अगला दिन से वो जेल में ड्यूटी में आ जाएगा, किसी को मारता ही नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता मारने की, एक सिंपल प्रेयर खुद का मर्जी से किया एकदम से। अरे कुछ दिनों के बाद बाकी ऑफिसर लोग ये देखना शुरू कर दिया, ये जब भी राउंड में जाएगा तो किसी बच्चे का किसी आदमी का चिल्लाने का आवाज़ नहीं आता, मारते नहीं है, ये लोग पीछा किया, जासूसी किया, देखा तो किसी को मारते ही नहीं, पूछताछ किया तो बोला मुझे मारने को अच्छा नहीं लगता भाई, वो भी हमारे जैसे इंसान है ना, अच्छा तू भी क्रिश्चियन बन गया, पगड़ी उसको भी देख बना लिया, मारपीट करने वाला मार खाने वाला, यही है प्रार्थना कष्ट है। इस तरह की लोगों को परमेश्वर से रिश्ता रखने के लिए सिखाने का काम हुआ है, पहले हमको बनना है फिर सिखाना है। एक घंटे का टाइम हो गया, आपको एक चाय का ब्रेक देने के लिए परीक्षा के पास वहां से वोट है, इतना मैंने हमारी जिंदगी के लिए तैयारी करने वाला बन देगी, बंद रखेंगे और आप मेरे विषय बोल सकते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपका वचन पढ़ता हूँ, आपका पवित्र आत्मा मुझे सिखाती रहता है, मेरा जिंदगी बदल रहा है, आपका मेहरबानी से, आपका दया से, आपका करुणा से मेरा जिंदगी बदल रहा है, मेरे द्वारा देश को बदल लाने वाला है, क्योंकि भारत का 135 करोड़ लोगों को आप प्यार करता है, उन सबके लिए प्रभु यीशु आप मरा है, जिंदा हुआ है, एक खुशखबर लेकर दुनिया को बताने के लिए मेरा जिंदगी भर मरने तक चलता रहूंगा, बात करता रहूंगा, जिंदगी में दिखाता रहूंगा, आपका करुणा से, दया से, समझ से मैं ये कर सकता हूँ, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।